एक बड़ी खबर आ रही है बारीपुर से, जहां बारीपुर पुलिस ने एक कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया अग्नियस्त्र यानी फायर आर्म्स के साथ। क्या ये इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए रची साजिश है? आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट, मैं आपके साथ नौशवा खान, खबर विस्तार से। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाशों के खिलाफ बारीपुर और जयनगर थाने में हत्या, अपहरण, डकैती के कई मामले दर्ज हैं। बारीपुर पुलिस ने एक कुख्यात बदमाश को अग्नियस्त्र यानी फायरआर्म्स के साथ गिरफ्तार किया। बुधवार की रात बारीपुर के कृष्णतला इलाके में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी का नाम शहदुल सरदार है। आरोपी के पास से एक कट्टा व 6 कारतूस बरामद किए गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार शहदुल बारीपुर पुलिस जिले के जयनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वह मलपुर इलाके में एक मकान में किराए पर रहता है। पुलिस के मुताबिक शहदुल इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था। इतना ही नहीं, वह अपने एक टीम भी बनाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने यह भी कहा कि आरोपी के खिलाफ बरेपुर और जयनगर पुलिस स्टेशन में हत्या, अपहरण, चोरी और जबरन वसूली सहित कई मामले दर्ज है। शहदुल को गुरुवार को बारुईपुर सब डिविजन कोर्ट में पेश किया जाएगा। बारुईपुर थाना पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आगे वीडियो में देखिए पूरी रिपोर्ट। না, সেরকম কিছু ইলেকশন রিলেটেড এটা আমরা বলবো না, কারণ এখনও সেরকম কিছু পাইনি। আর ইলেকশনের ব্যাপারে আমাদের জেলা পুলিশ যথেষ্ট সজাগ আছে, এসপি স্যারের নির্দেশে এবং অন্যান্য সুপারিটেন্ডেন্ট নির্দেশ যারা আছে সেই অনুযায়ী আমরা রেগুলার এটা নিয়ে চেকিং করছি। আমাদের নাকা চেকিং চলছে, রেগুলার মনিটরিং চলছে, বা আমাদের সেন্ট্রাল ফোর্স যখন ছিল বা আবার আসবে যখন আমরা কনফিডেন্স বিল্ডিং মিটার যা যা আছে সেগুলো করবো। এছাড়া আমাদের টোটাল পুলিশ অ্যাক্টিভ আছে, পাবলিকের কোঅপারেশন বা আপনারা কোঅপারেশন করলে আমরা যেমন যেমন করতে পারছি আশা করি ভালো। চালতা বেড়ে থেকে মল্লিকপুরে এসে অস্ত্র নিয়ে মানে ওর কাছ থেকে অস্ত্র পাওয়া গেলে তাহলে কি কোনো কি আমি আপনাকে বললাম যে ইমিডিয়েটলি কোনো পলিটিক্যাল ইনভলভমেন্ট আমরা পাইনি, সেটা ইনভেস্টিগেশনের পার্ট আছে। আর কোনো একটা লার্জার কনস্পিরেসি আছে যেটা নিয়ে আমরা ইনভেস্টিগেশন করছি, ইমিডিয়েটলি এটা ডিসক্লোজ করা যাবে।